प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी मैम राधिका सोनी और मेरी कक्षा में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके फुहार हिंदी पाठमाला कक्षा 7 से पढ़ेंगे पाठ 3, है ना? क्या पढ़ेंगे बच्चों? पाठ 3, जिसका नाम है हार की जीत, और ये एक पौराणिक कथा है। बच्चों, मैंने पहले वीडियो में आप लोग को ये कहानी जो है ना, ये कहानी किस पे है? सुल्तान, है ना? सुल्तान नाम का ये जो घोड़ा आपको दिखाई दे रहा है ना, इसका नाम है सुल्तान। और ये जो खड़े हुए हैं उनके साथ में, वो है बाबा भारती। कौन है बच्चों? बाबा भारती। और बाबा भारती सुल्तान से कैसे प्यार करते थे? जैसे एक माँ अपने बेटे से और किसान अपने लहलहाते खेत से प्यार करता है, बस वैसे ही बच्चों बाबा भारती अपने घोड़े से प्यार करते थे। और देखिए बगल में कौन खड़ा हुआ है? डाकू खडक सिंह। कौन है? डाकू खडक सिंह। ये कैसा है? ये कपटी डाकू है ना? इसने क्या किया है? धोखे से घोड़े को बाबा भारती से छीन लिया, है ना? ये कहानी को मैंने आप लोग को अपने पहले वीडियो में पढ़ाया था, और आज के वीडियो में हम इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले शुरू करते हैं शब्दों के अर्थ। ठीक है, शब्दों के अर्थ इस कहानी से। बच्चों, सबसे पहले मैं ये बता दूं, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा, है ना, सत्य का साथ देना चाहिए, है ना? हमारे मन में कभी भी किसी प्रकार का मतलब उदार भाव रखना चाहिए। विनम्रता, उदार, पश्चाताप, है ना, दया भाव, ये सब हमारे मन में होना चाहिए, ना कि कपटीपन हमें नहीं होना चाहिए, कपटता हमें नहीं होनी चाहिए। यही यह पाठ हमें सिखाता है ना? तो चलिए देखते हैं कि इनके शब्दों के अर्थ। तो बच्चों, यहाँ जो शब्द दिए हुए हैं इसे कहते हैं शब्द, और इधर जो है वो है उनके अर्थ। तो ये जो शब्द हैं वो हमारे पाठ्य पुस्तक में, जो हमने अभी ये हार की जीत वाली कहानी पढ़ी, उसमें ये सारे शब्द आपके आए हुए हैं, है ना? और उन्हीं के सरल शब्द, उनके हिंदी अर्थ यहाँ पर दिए हुए हैं, तो इसे आप लोग खुद से पढ़ेंगे। चले बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से है हमारा मौखिक, है ना? यहाँ पर शुद्ध उच्चारण करना है हमें। भगवत भजन, अर्पण, घृणा, कु अधख यात, ऐसे ही हमको इसे पढ़ना है। थोड़े से कठिन शब्द हैं जिन्हें हमें बार बार उच्चारण करके पढ़ने से क्या होगा, इसके शुद्ध रूप, इसकी वर्तनी हमसे सुधरेगी और इसके शुद्ध रूप हमारे सामने आएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ है हमारा प्रश्न दूसरा है, सोचिए और बताइए। क्या है? सोचिए और बताइए। इसमें कह रहा है बाबा भारती अपना समय कैसे व्यतीत करते थे या कैसे बिताते थे, है ना? तो क्या आएगा बच्चों? बाबा भारती अपना समय भगवत भजन के बाद घोड़े को दाना पानी खिलाने और उसका खरहरा करने में बिताते थे, है ना? फिर देखिए हमारा प्रश्न ख है, खडक सिंह कौन था, उसके बारे में कुछ वाक्य लिखिए। तो खडक सिंह उत्तर आएगा, खडक सिंह एक कुख्यात डाकू था, उसने बाबा भारती से उनका घोड़ा छीन लिया, और जब उन्हें आत्मग्लानि हुई तब उन्होंने उनका घोड़ा वापस कर दिया। फिर तीसरा प्रश्न है, देखो बच्चों, यदि आपके साथ ऐसी घटना होती है तो आप क्या करेंगे? तो बच्चों, इसे अपनी कॉपी में तो हमें करना नहीं है, पर इसे हम अपने मन से विचार करके कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न तीस है लिखित में, है ना? इसके अभी तक जो हम पढ़ रहे थे ये मौखिक था, अभी आया हमारा लिखित में। तो लिखित में पहला क्या दिया है? कौशल पठन लेखन, व्याकरण, शब्दावली और लिखावट। तो पहला प्रश्न हमारा, दिए गए वाक्यों के सामने राइट या गलत का निशान लगाइए। और देखिये यहाँ पर हमारे डिब्बे बने हुए जिसमें हमें सही और गलत का निशान लगाना है। तो क्या है? क्या कह रहा है? बाबा भारती अपने घोड़े को सुल्तान कह के पुकारते थे, तो सही आएगा क्योंकि वो सुल्तान कह के ही पुकारते थे। तो डिब्बे में क्या आएगा? राइट का निशान। फिर है खडक सिंह एक प्रख्यात व्यक्ति था, नहीं, वो क्या था? वो तो डाकू था, तो क्या हो जाएगा? ये गलत। ठीक है, फिर है खडक सिंह एक दिन शाम के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया, ये भी सही है क्योंकि वो गया था। फिर है बाबा भारती को अपने घोड़े से ऐसे प्यार था जैसे किसान को अपने खेत से होता है, है ना? तो क्या आएगा ये, है ना, सही आएगा। क्या आएगा? ये भी सही आएगा, खड़क सिंह ने सुल्तान को वापस नहीं किया।
ये देख लीजिए एक बार फिर से, बाबा भारती को अपने घोड़े से ऐसे प्यार था जैसे किसान को अपने खेत से होता है। नहीं गलत। और खड़क सिंह ने सुल्तान को वापस नहीं दिया तो दे दिया था, इसे ये भी गलत है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हमारा प्रश्न दूसरा, किसने किससे कहा। सही उत्तर पे हमें राइट का निशान लगाना है बच्चों, है ना। तो क्या कहता है, दुर्गा दत्त वैद्य का नाम सुना होगा, उनका सौतेला भाई हूँ। किसने किससे कहा, अपाहिज ने बाबा भारती से कहा या बाबा भारती ने अपाहिज से कहा। तो अपाहिज ने बाबा भारती से कहा, तो राइट का निशान किस में आएगा, अपाहिज ने बाबा भारती से कहा में। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब घोड़े का नाम ना लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ ना कहूंगा। तो खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा या बाबा भारती ने खड़क सिंह से, तो बाबा भारती ने खड़क सिंह से कहा, तो राइट का निशान इसमें आएगा। फिर है ग, लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। किसने कहा, खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा या बाबा भारती ने खड़क सिंह से, तो बाबा भारती ने खड़क सिंह से कहा था। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा है, मुहावरे वे वाक्यांश हैं जिनका प्रयोग बात को अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। अब देखो यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए हैं और यहाँ उनके अर्थ दिए हुए हैं, तो इन मुहावरों को उनके अर्थ से हमें मिलाना है। तो देखिए पहला क्या कहा है, फूला ना समाना। तो फूला ना समाना मतलब क्या होता है, अति प्रसन्न होना। क्या होना है बच्चों, अति प्रसन्न होना। फिर दूसरा है हमारा लट्टू होना, तो लट्टू होना मतलब मोहित होना। आंखें नीची होना, आंखें नीची होना मतलब लज्जित होना, शर्माना। ठीक है, फूट फूट कर रोना मतलब बहुत रोना। घोड़े बेचकर सोना, तो बेफिक्री की नींद सोना। अब इन्हें आप लोग को यहाँ से ला करके मिलाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर से है प्रश्न चौथा, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। तो बाबा गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे, तो देखो के बाहर को अंडरलाइन किया गया है। वैसे ही एक दिन खड़क सिंह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा, यहाँ भी देखिए के समय को अंडरलाइन किया गया है, के पास को किया गया है ना। इन वाक्यों में के बाहर, के समय, के पास संबंध बोधक शब्द हैं। कैसे शब्द हैं, संबंध बोधक शब्द हैं। ये वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का अन्य शब्द से संबंध बताते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर देखिए, अब नीचे वाक्यों में संबंध बोधक शब्दों को रेखांकित करना है हमें। तो क है, मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। तो देखिए यहाँ के बिना को मैंने क्या किया है, अंडरलाइन किया है। वैसे ही सबको आप लोग को करना है। ख में देखो, एक घोड़ा खड़क सिंह के पास है ना, के पास होना चाहिए। उन्होंने सुल्तान की ओर से मुंह मोड़ लिया, तो यहाँ आएगा की ओर। बाबा भारती ने अस्तबल के अंदर घोड़ा बंधा देखा, तो पहले में आएगा के बिना, ख में आएगा के पास, ग में आएगा की ओर और घ में आएगा के अंदर। बच्चों इसे आप लोग को अंडरलाइन करना है जैसे मैंने किया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे पांचवे प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न कहता है, जो शब्दांश शब्दों के पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला लेते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे निराशा शब्द में क्या दिया हुआ, देखो नीर निर्धन आशा से बना है, तो इसे क्या हो गया, नीर क्या हो गया, उपसर्ग का अर्थ है रहित बिना। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं, है ना, इन्हें मिला करके हमें जोड़ करके नए शब्द बनाना है। देखिए यहाँ पर दिया है निर्धन मूल, तो क्या हो गया है, निर्मूल। एक बना के बताया गया है बुक्स में, है ना, निर्धन मूल तो निर्मूल। वैसे ही आप लोग को सारे जितने दिए हुए यहाँ शब्द उन्हें सबको बनाना है जैसे यहाँ पर मैंने बनाया है। निर्धन धन, तो क्या हो गया, निर्धन। निर्धन गुण निर्गुण। निर्धन मल निर्मल। निर्धन भय निर्भय। निर्धन बल निर्बल। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमारा छठवां प्रश्न क्या कहता है, संकेत गद्यांश को पाठ में ध्यान पूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उचित विकल्प पर राइट का निशान लगाइए, है ना। तो ये हमारा पेज नंबर 12 में हम इसे पढ़ चुके हैं, माँ को अपने बेटे से और किसान को अपने लहलहाते खेत से वाला आया था ना, तो ये पेज नंबर 12 में है, इसे हम फिर से पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों,
अब देखिए इसमें क क्या कहता है, बाबा भारती घोड़े को क्या कह के पुकारते थे, ये प्रश्न है बच्चों। देखो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, ये प्रश्न कर रहा है कि बाबा भारती घोड़े को क्या कह के पुकारते थे। यहीं पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, शेरू, चेतक या सुल्तान। तो क्या कहते थे बच्चे बाबा भारती उन्हें? सुल्तान। तो राइट का निशान किस में आएगा? सुल्तान में। फिर है बाबा भारती कहाँ रहते थे? अस्तबल में, महल में या मंदिर में? तो कहाँ रहते थे बच्चों? वे मंदिर में। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हमारे अति लघु उत्तर प्रश्न। अभी तक मैंने जितना भी बताया प्रश्न छठवा तक, सब आपकी पुस्तक में ही हमें इसे फिल करना है। ठीक है, अब यहाँ से जो प्रश्न सातवा से है अति लघु उत्तर, इसे आपको कॉपी में उतारनी है, जैसे मैं आपको बताऊंगी वैसे ही कॉपी बनानी है और इसके प्रश्न उत्तर आपको कॉपी में करने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अति लघु उत्तर में प्रश्न पहला क्या कहता है। खड़क सी बाबा भारती के पास क्यों आया? तो देखिए मैंने आपके प्रश्नों के उत्तर बना करके रखे हुए हैं। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर से है, क्या कह रहा है? खड़क सी सुल्तान को देखने और उसे पाने की चाह में बाबा भारती के पास आया था। किस लिए आया था? सुल्तान को देखने और उसे पाने की चाह में बाबा भारती के पास आया था। फिर हमारा अगला प्रश्न है, बाबा भारती किस बात से डर गए थे? है ना बच्चों, प्रश्न कह रहा है बाबा भारती किस बात से डर गए थे? तो खड़क सी ने कहा था कि वह घोड़े को उठा ले जाएगा। क्या कहा था बच्चों? खड़क सी ने कहा था कि वह घोड़े को उठा ले जाएगा, इस बात से बाबा भारती डर गए थे। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला प्रश्न है लघु उत्तर, प्रश्न आठवां देखेंगे आप लोग, ये है लघु उत्तर लिखिए। इसमें है प्रश्न क, सुल्तान पर सवार खड़क सी बाबा भारती ने क्या कहा? सुल्तान पर सवार खड़क सी से बाबा भारती ने क्या कहा? तो उत्तर देखिए मैंने यहाँ बना के रखे हैं, सुल्तान पर सवार खड़क सी से बाबा भारती ने कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु तुम इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना। है ना, क्या बताया कि ये घोड़ा अब तुम्हारा हो चुका है, मैं इसे वापस नहीं लूंगा, पर ये जो घटना घटी ना इसे किसी के सामने प्रकट नहीं करना। फिर देखिए प्रश्न नंबर ख है, बाबा भारती ने ऐसा क्यों कहा? अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। है ना, देखिए इसका भी आंसर उत्तर ख है, बाबा भारती ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि खड़क सी ने गरीब अपाहिज बनकर धोखे से सुल्तान को ले लिया था, परंतु बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ और सुल्तान को उसने बाबा भारती को वापस छोड़ दिया। है ना, इसलिए बाबा भारती ने क्या कहा? अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए आपका प्रश्न नौवा है, निबंधात्मक उत्तर लिखिए। है ना, ये थोड़े से बड़े होते हैं क्योंकि ये प्रश्न हमारे निबंधात्मक आते हैं। ठीक है, तो प्रश्न का क्या कह रहा है? सुल्तान कौन था, उसमें क्या विशेषताएं थी? हमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि सुल्तान कौन था और उसमें क्या विशेषताएं थी। तो चलिए हम बताते हैं, देखिए प्रश्न क है ना, तो इसका उत्तर का, सुल्तान बाबा भारती का घोड़ा था, वह बहुत ही सुंदर और बलवान था। क्या था? बहुत ही सुंदर और बलवान था, उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में नहीं था, उसकी चाल इतनी अनोखी थी उस सबका मन मोह लेती थी, जो उसे एक बार देख लेता था उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती थी। ठीक है बच्चों, अब हम इसके निबंधात्मक में देखिए हमारा दूसरा प्रश्न क्या दिया है, खड़क सी ने सुल्तान को कैसे प्राप्त किया? क्या कह रहा है? खड़क सी ने सुल्तान को कैसे प्राप्त किया? तो यहाँ पर से देखेंगे उत्तर नंबर ख है हमारा, एक दिन संध्या के समय बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे बच्चों? वह टहलने जा रहे थे, है ना, तो रास्ते में अपाहिज का रूप धारण करके खड़क सी ने बाबा भारती से मदद मांगी। बाबा भारती उसे पहचान नहीं पाए और उसे घोड़े पर बिठा लिया और खुद घोड़े की लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे।
तभी खड़क सिंह ने मौका पाकर झटके से घोड़े को लेकर भाग गया, है ना। घोड़े को लेकर के क्या हो गया, खड़क सिंह भाग गया। अब देखिए हमारा आखिरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर ग। इस पाठ के आधार पर बताइए कि बुराई को अच्छाई में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। तो देखते हैं बच्चों, जिस तरह बाबा भारती ने अपने विनम्र स्वभाव से, दया भाव की भावना से भरे रहते हैं और उदारता दिखाते हुए उन्होंने अपने घोड़े सुल्तान को दे देते हैं, वैसे ही उदारता का गुण हम अपने अंदर लाकर तथा गरीबों की मदद करके बुराई को अच्छाई में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ मैंने आपको अति लघु उत्तर प्रश्नों के उत्तर, लघु उत्तर के प्रश्नों के उत्तर और निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर मैंने अपनी कॉपी में कर दिए हैं, जिसे मैं आप लोग के में सेंड कर दूंगी। ठीक है बच्चों, और बाकी जो हमारे प्रश्न 6 नंबर तक के प्रश्न थे उसे हमें पुस्तक में ही भरना है, है ना। हमको इसे यहीं से पढ़ना है, सिर्फ हमें 7, 8 और 9 यही तीनों प्रश्नों को अपनी कॉपी में करना है जैसे मैंने किया था। तो बच्चों यहाँ से हमारे यह जो पाठ है हमारा, है ना, पाठ का नाम क्या था हमारा, हार की जीत। क्या नाम था बच्चों, हार की जीत। हमने अगले पहले वीडियो में हमने इसे कहानी के रूप में पढ़ा, इसे समझा, है ना, कि घोड़ा कौन है, किसका है, खड़क सिंह कैसा था, है ना, उसका हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, ये सब हमने पहले वीडियो में हमने पढ़ा और आज के वीडियो में हमने इसके अभ्यास प्रश्न किए। ठीक है बच्चों, अब मैं अपने अगले वीडियो में आप लोग के केवल पढ़ने के लिए ये जो चेतक है ना, चेतक है, इसकी एक कविता के रूप में मैं इसे लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए बच्चों आप लोग घर में रहें, स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। तब तक के लिए आप लोग घर में रहें। गुड बाय बच्चों, थैंक यू।